please subscribe and press the bell icon for more content. हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल्स के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किस तरीके से ट्यूशन सेंटर का लोगो डिजाइन करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए, अंत तक चैनल पर भी रहा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर कर लीजिए। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वर्जन 2019 है। अगर आपके पास जो भी वर्जन का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है भी, तो आप लोग इजीली यहाँ पर किसी भी तरीके का लोगो डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको यहाँ पर लोगो डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए आपको एक पेज का साइज क्रिएट करना बहुत ही जरूरी है। तो उसके लिए दोस्तों, आपको जाना है लेआउट टैब के अंदर। जस्ट यहाँ पर क्लिक करते हो, आपको दोस्तों सबसे पहले मार्जिन आपको यहाँ पर नैरो कर लेना है। तो नैरो मार्जिन करने को जस्ट आपको सिंपली साइज के अंदर क्लिक करना है। साइज के अंदर क्लिक करने को दोस्तों, आपको यहाँ पर मोर पेपर साइजेस के अंदर क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करने को दोस्तों, आपको वेट और हाइट देना है। जैसे कि यहाँ पर मैं वेट दे रहा हूँ 5 inches और दोस्तों हाइट दे रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर 3 inches या फिर 3.5 inches के आसपास, या फिर दोस्तों आप लोग 2.5 inches वगैरह इस तरीके से देकर इसको ओके कर सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने 5 और 2.5 इंचेस का हाइट और वेट दिया हूँ। जस्ट इसको ओके करूँगा तो इसके अंदर यहाँ पर मैं लोगो डिजाइन क्रिएट करूँगा। तो सबसे पहला काम दोस्तों, यहाँ पर मैं इंसर्ट मेन्यू के अंदर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं जाऊँगा सेव के अंदर। सेव के अंदर क्लिक करने के बाद दोस्तों, सबसे पहले सेव यहाँ पर मैं दोस्तों ये वाला फ्री फ्रॉम सेव सेलेक्ट करूँगा। तो इसको क्लिक करते हुए यहाँ से इस तरीके से शिफ्ट होल्ड करते हुए थोड़ा सा, या फिर आप चाहे तो इस तरीके से क्लिक करते हुए डबल क्लिक करते हुए एंड कर देना है। एंड करने को दोस्तों, यहाँ पर आपको एक यूनिक सा कॉलर सेलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा लाइट सा एक यहाँ पर ब्लू कलर इस टाइप का सेलेक्ट करूँगा। दोस्तों देख सकते हो ये वाला ब्लू कलर, जैसे इसको ओके कर दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं इसको वेट यहाँ से इंक्रीज करूँगा। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर वेट इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज होने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको राइट क्लिक करते हुए फॉर्मेट शेप्स, जस्ट आपको यहाँ पर वेट का साइज आपको एग्जैक्टली 10 या फिर आप चाहे तो 8 के आसपास दे सकते हो। तो इसको देने के बाद दोस्तों देख सकते हो, अब आपको इसको क्लोज करना है। फॉर्मेट एडिट शेप्स और एडिट पॉइंट के ऊपर में क्लिक करते हुए ये वाला पॉइंट को आप चाहे तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से मैनेज वगैरह करते हुए इसको दोस्तों राउंडेड वगैरह इस तरीके से करना चाहते हो तो भी इजीली कर सकते हो। मुझे दोस्तों यहाँ पर इसको इतना ही यहाँ पर रख देना है। तो रखने के बाद दोस्तों इसको यहाँ पर इस तरीके से फ्लिप करते हुए, इसको कंट्रोल और शिफ्ट होल्ड करते हुए एक और कॉपी क्रिएट करूँगा। इसको रोटेट फ्लिप ओरिजेंटल करते हुए दोस्तों इसको यहाँ पर एग्जैक्टली इस तरीके से यहाँ पर प्लेस करते हुए, इसको भी दोस्तों थोड़ा सा इस तरीके से प्लेस करते हुए यहाँ पर एग्जैक्टली दोनों शेप को यहाँ पर एग्जैक्टली सेट करूँगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं इसको ये वाला नीचे का लाइन बराबर है नहीं है तो यहाँ पर मैं दिख रहा हूँ, तो इसको इस तरीके से ऊपर नीचे करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एग्जैक्टली इक्वल है, जस्ट इसको डिलीट कर दूंगा। और दोस्तों इस दोनों को सेलेक्ट करते हुए थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे करते हुए यहाँ पर मैनेज कर दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक शेप दूंगा, तो यहाँ पर मैं इसको ये वाला ओवल शेप सेलेक्ट करूँगा। जस्ट इसको यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ करूँगा, तो इसको यहाँ पर सेम ये वाला ही कॉलर दूंगा, आउटलाइन नो आउटलाइन। अब दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से प्लेस कर दूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस टाइप का यहाँ पर शेप क्रिएट हो चुका। अब दोस्तों आपको यहाँ पर एक और शेप क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपको इंसर्ट शेप, जस्ट आपको यहाँ पर फ्री फ्रॉम शेप, तो आप चाहे तो यहाँ से इस शेप्स को मैनेज कर सकते हैं। मुझे दोस्तों यहाँ से इस तरीके से शेप को एग्जैक्टली सेट करूँ, एग्जैक्टली यहाँ पर इस तरीके से मीट के अंदर यहाँ पर मैं प्लेस करते हुए इसको दोस्तों यहाँ पर प्लेस करते हुए एग्जैक्टली स्ट्रेट करूँगा। तो इसको सबसे पहले तो यहाँ पर स्ट्रेट नहीं हो रहा है, तो इसको यहाँ पर मैं स्ट्रेट करूँगा। एडिट शेप के अंदर क्लिक करते थोड़ा सा करते इस तरीके से एग्जैक्टली सेट करूँगा। तो सेट करने को दोस्तों ये वाला आउटलाइन को इसको मैं यहाँ पर रिमूव कर रहा हूँ, तो रिमूव आउटलाइन करने को दोस्तों आप चाहे तो इसको ऊपर नीचे करते इस तरीके से मैनेज कर सकते हो। अब दोस्तों इसको मैं एडिट शेप्स और दोस्तों यहाँ पर मैं एडिट पॉइंट के ऊपर में क्लिक करते हुए थोड़ा सा इसको मैं पॉइंट वगैरह मैनेज करूँगा, तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से राउंड करूँगा और दोस्तों इसको भी यहाँ पर इस तरीके से राउंड करूँगा। तो आप लोग देख सकते हो इस टाइप को मैंने यहाँ पर एक शेप क्रिएट किया है। अगर आप चाहे तो इस शेप्स को ऊपर नीचे करते हुए मैनेज वगैरह भी कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत वाले बात नहीं है। तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से प्लेसमेंट करते हुए यहाँ पर मैनेज कर रहा हूँ।
और दोस्तों इस वाले शेप को यहाँ पर मैं थोड़ा सा डार्क रेड यूज़ करना चाहूँगा, तो यहाँ पर मैं रेड के अंदर क्लिक करते हुए थोड़ा सा इस टाइप का यहाँ पर मैं डार्क रेड यूज़ कर रहा हूँ। तो आप चाहे तो इस टाइप का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको पसंद है कॉलर आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। ये वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो इसको यहाँ पर मैं कंट्रोल और शिफ्ट होल्ड करते हुए कॉपी करते हुए इसको रोटेट फ्लिप हॉरिजॉन्टल जस्ट एग्जैक्टली यहाँ पर इस तरीके से सेट करूँगा। तो आप लोग देख सकते हो इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हुए आपको इस तरीके से यहाँ पर मैनेज करना है, ताकि ईजिली यहाँ पर आपको इस तरीके का एक यहाँ पर शेप आपको बनकर तैयार हो जाए। तो इसी शेप को आपको कंट्रोल और शिफ्ट होल्ड करते हुए, या फिर आप चाहे तो एक और यहाँ पर शेप क्रिएट कर सकते हो। उस शेप को क्रिएट करने के लिए जस्ट इंसर्ट शेप फ्री फ्रॉम शेप जस्ट आपको दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको एंड कर देना है जस्ट इसका आउटलाइन नो आउटलाइन। जस्ट आपको फिर से एडिट शेप्स और एडिट पॉइंट के ऊपर में क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको पॉइंट आपको मैनेज करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको मैनेज कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो ये वाला को भी मैं यहाँ पर इस तरीके से मैनेज कर रहा हूँ। तो मैनेज करने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करते मैनेज कर दूंगा, जस्ट इसको सेंड बैकवर्ड करूँगा। आप लोग देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पर बैक हो चुका है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ा सा लाइट सा पिंक कलर आपको यहाँ पर यूज़ करना है, जैसे कि इसको क्लिक करते हुए थोड़ा सा पिंक कलर यहाँ पर मैं इस टाइप को यहाँ पर मैं यूज करूँगा। आप लोग देख सकते हो इसको ओके कर दूँगा और इसी को यहाँ पर कंट्रोल और शिफ्ट होल्ड करते हुए कॉपी करूँगा। आप लोग देख सकते हो कंट्रोल और शिफ्ट जस्ट इसको यहाँ पर फॉर्मेट फ्लिप हॉरिजॉन्टल इस टाइम ये वाला को पिंक कलर करूँगा और दोस्तों इस वाले को यहाँ पर मैं इस टाइम डार्क रेड वाला यूज कर दूँगा। ये वाला जस्ट इसको भी यहाँ पर सेम प्रोसेस अप्लाई करते यूज करूँगा, जस्ट सेंड बैकवर्ड। आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा तरीके से इसको यहाँ पर सेट हो चुका है। थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दे इसको मैनेज करना है। तो मैनेज करने के बाद आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा तरीके से यहाँ पर इस टाइप का शेप क्रिएट हो चुका है। अगर आप चाहे तो इसको सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर क्लिक करते हुए इस तरीके से सेलेक्ट करते हुए इसको थोड़ा सा राइट साइड के अंदर रखते हुए मैनेज कर सकते हो। आप लोग देख सकते हो साइड ऑब्जेक्ट के अंदर क्लिक करते हुए मैंने यहाँ पर इसको आउटसाइड ऑफ किया है। अब दोस्तों आप चाहे तो इसी शेप को कंट्रोल डी करते हुए डुप्लीकेट करते हुए इस शेप्स को यहाँ पर इस तरीके से रोटेट वगैरह करते हुए यहाँ पर आपको इस तरीके से मैनेज करते हुए यहाँ पर थोड़ा सा आपको इस टाइप का कॉलर आपको साइड करते हुए सेंड बैकवर्ड करते हुए इस तरीके से आप लोग यहाँ पर पीछे वगैरह भी रखते हुए इसको यहाँ पर सेट कर सकते हो। कितना प्यारा लुक यहाँ पर निकल कर आ चुका है, जस्ट इसी को कंट्रोल और शिफ्ट होल्ड करते हुए आप चाहे तो इसको डिलीट भी कर सकते हो। मुझे दोस्तों यहाँ पर इतना ही रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं एक होम का यहाँ पर सिंबल क्रिएट करूँगा, जस्ट यहाँ पर मैं इस तरीके से रेक्टेंगल शेप साइड करते हुए थोड़ा सा इसको कम करते हुए आउटलाइन नो आउटलाइन यहाँ पर दोस्तों मैं थोड़ा सा ये वाला आई कलर दूंगा आउटलाइन यहाँ पर मैं नो आउटलाइन। इसको कंट्रोल डी डुप्लीकेट डुप्लीकेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर इसको इस तरीके से अप्लाई करते हुए इस दोनों को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर राइट क्लिक करते हुए ग्रुपिंग का ग्रुप करूँगा और दोस्तों इसी को कंट्रोल और शिफ्ट होल्ड करते हुए यहाँ पर इस तरीके से मैनेज करूँगा। अब दोस्तों इस दोनों को सेलेक्ट करते फिर से राइट क्लिक ग्रुपिंग का ग्रुप जस्ट यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से प्लेसमेंट कर दूंगा। तो प्लेसमेंट करने के बाद दोस्तों देख सकते हो कितना प्यारा तरीके से यहाँ पर ऊपर का हेडिंग का काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका। अब दोस्तों यहाँ पर मैं टेक्स्ट का काम करना चाहूँगा, इंसर्ट वर्ड वर्ड स्टाइल वन जस्ट इसको साइड करते यहाँ पर मैं टाइप करूँगा ट्यूशन हॉप। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने टाइप किया है, जस्ट यहाँ पर मैं इसको सबसे पहले तो नॉइस स्पेसिंग करूँगा। यहाँ पर मैं इसको फॉन्ट दूंगा दोस्तों ये वाला कुकी वाले फॉन्ट सेलेक्ट करूंगा, इसको साइड करते हुए यहाँ पर मैं इसको बोल्ड कर दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज करूंगा, ताकि यहाँ पर आपको इस तरीके से इजीली यहाँ पर टेक्स्ट अटैच होकर देखने को मिले। तो इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हुए इसको मैनेज करूँगा। तो आप लोग देख सकते हो या फिर मैं इसको इस तरीके से बैक स्पेस करते हुए भी इसको यहाँ पर इस तरीके से प्लेसमेंट करते हुए यहाँ पर दोस्तों इसको सेलेक्ट करते हुए थोड़ा सा यहाँ पर मैं कॉलर इस टाइप का या फिर इस टाइप का दूंगा और दोस्तों यहाँ पर इसको ये वाला को पिंक कॉलर इस तरीके से दूंगा और दोस्तों इसको थोड़ा सा शैडोज क्रिएट करूँगा। तो राइट क्लिक करते फॉर्मेट शेप जस्ट यहाँ पर टेक्स्ट ऑप्शन सिंपली यहाँ पर मैं ये वाला इफेक्ट के अंदर क्लिक करते हुए शैडोज के अंदर क्लिक करते हुए यहाँ पर थोड़ा सा नीचे वाला शैडो इस तरीके से यूज़ करूँगा। इसको दोस्तों ब्लर बिल्कुल ज़ीरो करूँगा, साइज़ यहाँ पर मैं थोड़ा सा कम करूँगा और दोस्तों इसको ट्रांसपेरेंसी कम करूँगा, ताकि कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर
शेडोज देखने को मिले कुछ इस तरीके से। दोस्तों देख सकते हो कितना प्यारा यहाँ पर मैंने एक लोगो क्रिएट किया है दोस्तों, ट्यूशन सेंटर का कितना प्यारा और यूनिक सा लोगो है। जस्ट इसको आपको सेलेक्ट साइड ऑब्जेक्ट एज होल इसको सेलेक्ट करना है इस तरीके से, राइट क्लिक करते हुए यहाँ पर सिंपली आपको इसको जस्ट यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट साइड ऑब्जेक्ट सिंपली एज अ होल इस तरीके से सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर मैं राइट क्लिक करते हुए ग्रुपिंग का ग्रुप कर दूंगा और दोस्तों इसको थोड़ा सा नीचे करते हुए इस तरीके से यहाँ पर अप्लाई करूंगा। तो दोस्तों देख सकते हो कम्प्लीटली यहाँ पर मैंने इस तरीके का लोगो क्रिएट किया है। जस्ट इसको आपको सेव करने के लिए सेव एज ब्राउज जस्ट आपको यहाँ पर मैंने ट्यूशन लोगो इस तरीके से टाइप किया। अगर आपको दोस्तों इसको प्रिंटेबल करना है तो यहाँ पर आप लोग PDF फाइल सेलेक्ट करते हुए PDF फाइल सेलेक्ट करते हुए यूज़ कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करते हुए सेव कर लीजिए। जस्ट आप लोग देख सकते हैं PDF के अंदर कितना प्यारा तरीके से हाई क्वालिटी के अंदर सेव होकर आ चुका है। इसी तरीके से दोस्तों आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ट्यूशन का लोगो क्रिएट कर सकते हैं, इस टाइप का लोगो क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों आप लोगों का आज का वीडियो कैसा लगे प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर आया तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं अगली वीडियो किसी नए टॉपिक के ऊपर में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।